चौबर दे चेहरे उत्ते नूर दसदा ने एदा उठेगा जवानी विच जनाजा मिठे। यह गीत सिद्धू मूसेवाला ने वजीर रैपर के साथ मिलकर 15 मई को रिलीज किया था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी गीत है और इस गीत के बोल सच होने वाले हैं। महज 2 सप्ताह बाद ही सिद्धू मूसेवाला की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू ने यह गीत खुद पर ही गाया था जिसमें वह कहते हैं कि चौबर यानी कि गबरू जवान के चेहरे पर काफी नूर दिख रहा है और इसका जनाजा जवानी में ही उठने वाला है। गीत 2 सप्ताह में तेजी से वायरल हो रहा था और उसको सुनने वालों की संख्या लाखों में पहुंच चुकी थी। यह गीत रविवार को हकीकत में बदल गया और सिद्धू मूसेवाला सदा के लिए गहरी नींद में सो गए। पर आखिर सिद्धू मूसेवाला की कहानी क्या है और कैसे वह पंजाब के एक छोटे से पिंड से निकलकर भारत का नामचीन चेहरा बन गए। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 17 जून 1993 को मनसा जिले के मूस गांव में हुआ था। मूसेवाला के पिता भोला सिंह पूर्व सेना अधिकारी हैं। उनकी माँ चरण कौर गांव की सरपंच है। मूसेवाला ने 6ठी क्लास में हिप हॉप गाना सुनना शुरू कर दिया था। उन्होंने लुधियाना के हरविंदर बिट्टू से गाना सीखा था। मूसेवाला ने गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। इस दौरान उन्होंने डीएवी कॉलेज फेस्ट में हिस्सा भी लिया था। देवांगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अमेरिकन सिंगर ट्यूपैक शुगर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और उनको अपना आदर्श मानते थे। ग्रेजुएशन करने के बाद सिद्धू मूसेवाला कनाडा चले गए थे। यहाँ पर उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया था। साल 2018 में उन्होंने भारत में लाइव परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया। उन्होंने पहचान साल 2017 में अपने गाने सोहाई से बनाई। इस गाने के लिए उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने इसका जट, टोचन, सेल्फ मेड, फेमस और वार्निंग शॉट्स जैसे म्यूजिक वीडियो जारी किए। साल 2018 में उन्होंने फिल्म डाकू द मुंडा फिल्म के लिए डॉलर गाना गाया। पंजाबी फिल्मों में यह उनका पहला गाना था। सिद्धू मूसेवाला का विवादों से भी पुराना रहता रहा है। सिद्धू पर आरोप लगा था कि वे अपने गानों के जरिए गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। साल 2019 में उन्होंने जट जियोनी मोड़ दी बंदूक वर्गी गाना रिलीज किया था। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई थी। इस गाने ने 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा माई भागो के संबंध में विवाद खड़ा कर दिया था। मूसेवाला ने बाद में इसके लिए माफी मांगी थी। गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की शनिवार को पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सुरक्षा घटा दी थी। महज 28 साल की उम्र में जान गंवाने वाले सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस से मनसा के चुनावी अखाड़े में आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ऐसे में पंजाब सरकार और उनकी सुरक्षा प्रणाली के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कैसे एक बड़े सिंगर और नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है।